हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ब्लॉग प्रीवियस ब्लॉग में मैंने कहा था कंटिन्यू करी, तो मैं वहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी मैं बाहर से आई हूँ, जस्ट रेडी हो गई हूँ। मुझे अर्जेंट वीडियो शूट करना था तो मैं जल्दी से वीडियो शूट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे ट्राईपॉड और रिंग लाइट्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर वीडियो मैंने अभी अभी जस्ट शूट करी हूँ। आप देख सकते हैं इतने सारे पार्सल्स आ गए थे। रमज़ान में क्या हो जाता है ना कि टाइम नहीं मिलता है, ऊपर से इतने ज़्यादा पार्सल्स आ जाते हैं, सभी के वो वीडियोस मांगते हैं। ब्रांड्स को जल्दी वीडियो चाहिए होती है, लेकिन क्या करूँ, काम है तो करना ही पड़ता है। सो मैं कर रही हूँ यहाँ पर सहरी, यहाँ पर पूरी है और ये चिकन ग्रेवी मैंने मम्मी ने बनाई थी, तो मैं वो खा रही हूँ सहरी में। उसके बाद मैंने चाय पी और फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, फिर दिन मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी ना। शॉपिंग पे गई थी सुबह से ही, रोज़े की हालत में सर दर्द हो गए थे। नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर एक कुछ सूट वगैरह को स्टिच कर रही थी। ऐसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता, जब मुझे टाइम मिलता तो मैं थोड़े बहुत कपड़े वगैरह को सी लेती हूँ। मैं सूट वगैरह खुद से ही सीती हूँ, मैं अपने और मम्मी की कपड़े खुद सी लेती हूँ। टेलर्स को बहुत कम ही देती हूँ, कुछ कुछ कपड़े देती हूँ अगर मेरे पास टाइम नहीं होते, अर्जेंट होते हैं पहनना है तो फिर टेलर को ही देना पड़ता है। अब देख सकते हैं इतने सारे मैसे हो गए। ये पर्पल वाले मम्मी के बनाए हैं, ये ग्रीन वाला सूट मैंने मम्मी के लिए बना के रखे हैं और इतने सारे मैसे हो गए। ये मेरे ट्रेड्स के कलेक्शंस हैं जो अच्छे लगते हैं। और ये मेरा ईद का ये गरारा सेट है, तो ये अभी बना नहीं है, मैं इसे बनाऊँगी या फिर टेलर को दूँगी। अब देख सकते हो ये सारे पार्सल्स आके रखे हैं, ये मिंत्रा के हैं, कुछ अमेजोन के मीशो से आए हुए हैं कपड़ा। ये सारे अब देख सो इतने सारे मैस हुए रखे हैं, सबको मुझे सेटिंग करना है, बेड को ठीक करना है। रमज़ान के टाइम होते ही इतने सारे मैस हो जाते हैं कपड़े वगैरह, तो ये सब सारे मैं क्लीन करती हूँ। देन उसके बाद मुझे बाहर भी निकलना है, तो मैं आपके साथ थोड़ी देर में मिलती हूँ। फिर मैं मुझे बैंक आ गई थी, मुझे कुछ बैंक में काम था, मेरे कार्ड काम नहीं कर रहे थे तो मैं अपने कार्ड की प्रॉब्लम हो रही थी, फिर इसलिए बैंक में आई और इतनी ज़्यादा बैंक में भीड़ थी, आप देख सकते हैं। थक गई थी, मतलब मुझे 2-2.5 घंटे बैंक में लग गए थे। आप देखो मेरा काम हो गया था तो मैं फिर बैंक से बाहर निकल गई। देन उसके बाद मैं आई, असर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मैंने इफ्तार बनाना स्टार्ट कर दिया था। ये देख सकते हैं मैंने आज फ्रूट चाट बनाई थी और चना चाट बनाया था, सारे फ्रूट्स वगैरह को कट कर लिए थे। अजान का वक्त हो गया था, सब कुछ मैंने रेडी, मैं अजान से काफ़ी टाइम पहले ही सब कुछ रेडी कर लेती हूँ। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रूट चाट और चना चाट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है रमज़ान में। उसके बाद मैं निकल गई थी शॉपिंग के लिए, कुछ और भी बाकी था तो इसलिए मैं शॉपिंग पर निकल गई थी। लोग सभी गए थे फैमिली मेम्बर, तो यहाँ पर हम लोग गए हैं सिटी मार्ट पे शॉपिंग वगैरह करने के लिए। अब देख सकते इतनी ज़्यादा रश हो रखी थी, बट फिर भी गए, क्या कर सकते, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। रमज़ान में ही भीड़ होती है, अदर्स डे वगैरह पे भीड़ नहीं होती इतनी ज़्यादा। और यहाँ पर ये कैमरा करना अलाउड नहीं था, तो फिर मैंने शूट करना जितना पॉसिबल हो पाया था मैंने इतना किया, क्योंकि ये लोग आके स्टाफ्स मना कर रहे थे कि शूट ना करिए, तो फिर मैंने शूट नहीं किया ज़्यादा। यहाँ से मैंने कॉफ़ी मग लिया, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फिर बाहर निकल गई थी, कुछ कॉस्मेटिक शॉप में दिखे थे जिससे तो मुझे कुछ नॉर्मली रैंडम प्रोडक्ट लेने थे। ऐसे तो सब कुछ मैं ऑनलाइन ही परचेज़ करती हूँ, मुझे बाहर स्ट्रीट शॉप से लेना नहीं पड़ता, बट कुछ लेना था वीडियोज़ के लिए तो इसलिए मैंने अर्जेंटली ले ली, क्योंकि ऑनलाइन में आने में टाइम लग जाता। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ही कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और मम्मी गई थी एक शॉप, पास वाले शॉप में कुछ ले रही थी, तो मैं यहाँ पर से वीडियो शूट कर रही थी। यहाँ से मैंने फिंगर रिंग्स वगैरह लिए, नाइट सूट वगैरह लिए, कुछ रूम डेकोर के आइटम्स भी मैंने लिया। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे टाइप के आपको टॉप्स वगैरह गाउन मिल जाते हैं।
शाम के वक्त ना बहुत अच्छा लगता है, न्यू मार्केट जाने में बहुत अच्छे लग रहे थे। अब देख सकते हो यहाँ से मैंने कुछ इयररिंग्स वगैरह को ली है। चाहे गर्ल्स के पास जितनी भी फिर भी कम होती है, मुझे न्यू वीडियोस वगैरह के लिए लेने थे तो फिर मैंने यहाँ से कुछ इयररिंग्स वगैरह ले ली। काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस में आपको मिल जाएगी, तो मैंने रैंडमली चूज़ कर लिया कि मुझे क्या लेना है। वैसे ईद के लिए तो मैं ऑनलाइन ही ली है इयररिंग्स वगैरह, या मुझे कैथलीन दिख गई थी तो मैंने यहाँ से पेस्ट्री और पैटीज ये सब बर्गर वगैरह मैंने ले लिया था ताकि मैं घर जाके खा पाऊँ। इसलिए यहाँ पर सब कुछ फ्रेश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी होते हैं, तो मैं जब भी न्यू मार्केट आती हूँ तो इस शॉप से मैं ज़रूर लेती हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा इफ्तार के बाद भीड़ थी कि मतलब चला भी नहीं जा रहा था रास्ते से। आप देख सकते हो, ओह माय गॉड, उसके बाद हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी तो फिर हम बाहर निकल रहे थे कि हमें ऑटो करनी थी, फिर हम लोग ऑटो पे निकल गए थे घर के लिए। शाम के वक्त ठंडी ठंडी हवा चलती ना, काफ़ी अच्छा लगता है रोड में। उसके बाद सब बोले थे कि कुछ और ऑर्डर करते हैं, तो मैंने वाव मोमोज ऑर्डर किए, बर्गर्स ऑर्डर कर दिए थे, तो ये पार्सल जस्ट मुझे अभी ही रिसीव हुए थे। ये कोल्ड ड्रिंक थे और मोमोज थे और बर्गर्स थे, तो मैंने ऑर्डर किए थे ताकि बाहर से आने के बाद दिल करते कि कुछ इंटरेस्टिंग वाला खाने का हो, कुछ अलग हो, यम्मी सा हो। तो फिर मैंने, मुझे सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है कि वाह मोमोज ऑर्डर कर दो और बर्गर्स ऑर्डर कर दो, बस मुझे पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा मोमोज से प्यार है। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर या मोमोज ज़्यादा अच्छे लगते हैं? तो ये हम लोग छोटे सी पार्टी की तरह कर रहे थे, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग अपने मोमोज और बर्गर्स को इंजॉय किए, बहुत ही यम्मी थे, बहुत ही यम्मी। एक बार आप ज़रूर वाओ मोमोज वाओ बर्गर्स और ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और यमीज होती है। उसके बाद मैं सो गई थी। दिनचर्या के लिए मैंने यहाँ पर ही ब्रेड और ये लाबरी थी, पापा लेकर आए थे बाहर से, तो मैं इसे खाकर सो गई थी सेरी में नमाज़ पढ़ के। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था, नेक्स्ट डे मुझे वॉलपेपर रिसीव हो गए थे। मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी दिखाए थे, कुछ कुछ वॉल्सपेपर आ गए थे मुझे, तो मुझे इस दोनों वॉल पे वॉल स्टिक करना था। तो अब देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये स्काई कलर के जो पेंट वाले वॉल है यहाँ पर ही स्टिक करने थे। देन मेरे टीवी के पास जो वहाँ पर ही अभी कुछ भी नहीं था, तो मुझे वहाँ पे बहुत खाली लग रहा था, तो मुझे यहाँ भी वॉल स्टिक करने थे, वॉलपेपर स्टिक करने थे। तो आप देख सकते हो ये सारे मैंने रैंडमली निकाल के रखे कि वन बाई वन किसे लगाना है, तो चलिए मिलते हैं लगाकर। ये जगह पे मैंने स्टिक कर दिया, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है स्काई पेंट पे वाइट कलर के स्टिकर्स, मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। थोड़े से वॉल गंदे हुए बट मैं उसे क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो टीवी के सेल्फ पे मैंने कितना प्रिटी लगाया, ये वाला रेड कलर के रोजेस थे, मुझे इतनी ज़्यादा जब से मैंने देखा था ना मुझे बस इसे लेना था। आप बताओ कैसा लगा। देन उसके बाद मैंने इफ्तार के लिए यहाँ कस्टर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले बनाऊँगी तभी ना ये ठंडे होंगे, तो क्योंकि कस्टर्ड वगैरह तो ठंडे ही अच्छे लगते, तो मैंने यहाँ पर ही फ्रूट कस्टर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया था। फ्रूट्स वगैरह सब कट कर लिए थे। उसके बाद देख सकते हो ठंडे हो जाने के बाद फ्रीज में कितनी ज़्यादा क्रीमी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा यम लग रहा था। तो मैंने इफ्तार के बाद सभी को ये सर्व किया और खुद भी खाया, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा यम्मी थी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।